And let's come to another question now, which is from Dr. Ramesh Pal Singh Pawar, sir. Wo kehte hain, platelets. So we've spoken about hemoglobin and red blood cells so far. Dr. Utsav Sahu is a physician from New Delhi. इन्होंने पूछा, हाउ डू वी प्रिडिक्ट द कॉज ऑफ एनीमिया जस्ट बाय लुकिंग एट द हीमोग्राम. तो उसका आपने इतनी सारी इंसाइट्स दी. अब डॉक्टर पवार सर पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट प्लेटलेट्स, ये कौन सी कोशिकाएं होती हैं? प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं। कहीं भी इंजरी हुई है तो प्लेटलेट्स वहां जाके ब्लड क्लॉट करती हैं ताकि ब्लीडिंग खत्म हो सके। इसका जो हम ब्लड में प्लेटलेट काउंट के तौर पर इसको देखते हैं, जो कि नॉर्मल होता है 1.5 to 4.5 लैक्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। एंड प्लेटलेट काउंट अगर कम होता है तो उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, और प्लेटलेट काउंट अगर ज़्यादा हो तो उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। एंड सर, डेंगी के बारे में पूछ रहे हैं, व्हाई डू प्लेटलेट्स गो डाउन ड्यूरिंग डेंगी? सर दिस इज अ वायरल इंड्यूस्ड बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। देर कुड बी डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स इन द ब्लड, दैट कुड बी द रीजन। एंड देन नाइस फ्रेंडली एंड नॉटी क्वेश्चन विल बी, ये बकरी का दूध पीने से प्लेटलेट्स बढ़ती हैं क्या? और पिछली ये टॉक में बहुत बार डिस्कस हो चुका है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लेटलेट्स बोन मैरो से बनते हैं, और जब बोन मैरो रिकवरी स्टेज में आएगी तो वो अपने आप प्लेटलेट्स बनाना शुरू कर देगी। और ना ही पपीते के पत्तों से बनती हैं प्लेटलेट्स. जी नहीं।